रखा है। और हमारा आयोजन तो गए साल भी लोगों ने देखा ही था, फुल कॉमर्शियल रहता है,
मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी सब तरह से अपने 100% कमर्शियल नवरात्रि, बट गए टाइम लोगों को पता है कोविड के हिसाब से एक फैमिली से समझो 4 जन आए कहीं आजू बाजू में जाए, 4,000 रुपये का पास रहता है तो 16,000 रुपया, तो लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। पर हमारे प्रवीण दरेकर जी ने बोला अभी गए टाइम कोविड गया है तो ये टाइम पे भी फ्री करो, तो वो हिसाब से हमने ये टाइम पे भी फ्री का ही किया है। जस्ट 200 रुपीज ऑन बुक माई शो और जो जो प्लेटफॉर्म्स रहेंगे वो आगे हम लोग बताया जाएगा, तो हिसाब से वहाँ पे जस्ट एक रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा गए टाइम 1,25,000 फुट के आजू बाजू ग्राउंड था, अभी 1,60,000 फुट के आजू बाजू ग्राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टाइम थोड़ी दिक्कत कम होगी। दूसरा थोड़ा क्राउड भी डिवाइड होगा ऐसा हमारा अंदाजा है। गए टाइम समझो 3 नवरात्रि थी, ये टाइम 5 से 6 नवरात्रि है बोरेवली में, तो थोड़ा सा क्राउड भी डिवाइड हो जाएगा। गए टाइम की दिक्कत नहीं हुई थी, ओवर क्राउडेड हो गया था कोई कोई टाइम पे, सैटरडे संडे हो गया, तो बाकी ओवरऑल किसी को दिक्कत ना हुई, ना किसी की कोई छेड़खानी हुई है, ना कोई केसेस हुए हैं, तो इतना हम ये साल भी उतनी ही सावधानी रखेंगे जो गए साल रखेंगे। भूमि को देता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, सभी पत्रकार भाइयों का हम सभी स्वागत करते हैं और आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे लिए आए हैं, सभी का धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सभी को मैं श्री प्रवीण दरेकर सर, पिनाकित सर और जिग्नेश भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस बारी we all have joined hands, और हालांकि of course ये नवरात्रि का त्यौहार है लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि अम्बे माँ की आराधना करना और उनके उनके सामने संगीत के साथ उनके गरबे के साथ उनकी आराधना करना, उनकी पूजा करना, ये सबसे बड़ा काम है हमारा। और उसी के साथ साथ सब लोग जब इस त्यौहार में जुड़ेंगे, नवरात्रि में जुड़ेंगे, तो बहुत सारे एलिमेंट्स और भी जुड़ते जाएंगे। जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट फ्री नवरात्रि है और उसके सामने सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ कुछ जो चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद फिर सभी का खुले दिल से हम लोग स्वागत करते हैं, जितने भी गरबा ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं जितने भी, और प्योरली ऑथेंटिक गरबा जो परफॉर्म करना पसंद करेंगे उनकी ही ये नवरात्रि है जिसका नाम है रंगरास 2023। और मुंबई में 2019 में मैंने लास्ट परफॉर्म किया था, उसके बाद फिर ऑफकोर्स कुछ अनफॉर्सीन जो सिचुएशंस आई पूरी दुनिया में, उसके बाद पिछले साल मैं मोरबी में थी, परफॉर्म कर रही थी, एंड दिस ईयर अगेन मैं अगर जिग्नेश भाई की बात करूं तो हमने प्रोफेशनली बहुत काम किया है साथ साथ में, इज माय राखी ब्रदर एज वेल, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने बहुत मुझे गाइड भी किया है, चाहे वो नवरात्रि को लेकर हो, मुंबई में किसी भी परफॉर्मेंस या प्रोफेशनल सीन को लेके उन्होंने काफ़ी गाइड किया है मुझे। सो आज भी हम लोग साथ में फिर से और एक बार काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ और पूरे परिवार से हम जुड़े हुए हैं एंड माता जी के भक्त भी रहे हैं बहुत। और पिनाकित भाई से मेरी पहली बारी जब मुलाकात हुई, वी डिडंट टेक मच टाइम टू इवन कम टू वन स्टेज या कम टू वन कंक्लूजन कि हमें नवरात्रि करनी है और हम बिल्कुल ट्रेडिशनल गानों के साथ हम नवरात्रि करेंगे, चाहे मुंबई में भले ही हो रही है लेकिन हम विल मेक श्योर कि जितने भी जैसे हम गुजराती में टर्म कहते हैं खिलैया, जितने भी लोग यहाँ पे परफॉर्म करने आ रहे हैं वो अम्बे माँ के जितने भी गरबे हैं उनके साथ साथ हम राधा कृष्ण के गरबे और जो रास लीला के जो गरबे हैं वो भी हम परफॉर्म करेंगे। कुछ प्राचीन कुछ अर्वाचीन गरबे जो होते हैं ट्रेडिशनल फोक ट्यून्स जो हमारी बहुत सालों पुरानी आई थिंक डेकेड्स पुरानी जो गरबे हैं वो हम सब लेकर आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी रहा है हमेशा, मैंने मम्मी के साथ
साथ परफॉर्म करना शुरू किया. सो दैट्स हाउ आई नो कि कितने सारे गरबे और कलेक्शन जो मैं इस बार लेकर आ रही हूँ. जनरली क्या होता था कि गुजरात के गरबे, लेकिन गुजरात में भी बहुत सारे अलग अलग, जैसे नॉर्थ गुजरात में आप जाएंगे तो एक अलग फ्लेवर मिलेगा, आप सौराष्ट्र में जाएंगे तो एक अलग फ्लेवर मिलेगा. बड़ोदा जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, मेरी जन्मभूमि है, अब मुंबई मेरी कर्मभूमि है, तो वहाँ के कुछ गरबे हैं जो बिल्कुल अलग तरह के हैं. तो गुजरात में हर एक अलग अलग जो रीजन्स हैं वहाँ से मैं गरबे का कलेक्शन लेकर आ रही हूँ. एंड आई एम श्योर कि इतने सालों से, जब 2010 से मैंने मुंबई में परफॉर्म करना शुरू किया और मेरी जर्नी, मेरा करियर शुरू किया मैंने 2010 से, और तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे गरबे हैं जो यहाँ के कुछ जितने भी परफॉर्मर्स हैं, जितने भी डांसर्स हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके भी फेवरेट्स होते गए. मैं भी थोड़ा सा उस डबल थॉट्स में थी कि क्या ये गरबे, क्या ये गाने लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उससे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. और भी हम यू नो डिग करके जितने पुराने पुराने गरबे और सारे उनके सामने लेकर आ गए हैं, एंड आई थिंक पीपल रियली लव दैट. और उन्हीं का प्यार और आशीर्वाद और सभी के सपोर्ट से आज हम फिर से परफॉर्म कर रहे हैं मुंबई में. मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फाल्गुनी मैम की, और वे खुद भी जानते हैं कि मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. और ये 2010 के बाद भी एक ऐसा कुछ मौका आया था जहाँ पे हम पास पास में कुछ परफॉर्म कर रहे थे, और सब ये सेम क्वेश्चन मुझे भी आया था. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगा, मैं आई विल मेक श्योर कि हम सब लोग जाके उनके गरबे में भी परफॉर्म करें. तो मैं तो इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जैसे ही मेरा रैप अप यहाँ पे, जैसे ही टाइम हो जाता है, आई विल मेक श्योर कि मैं फाल्गुनी मैम से 10 दिन में से कभी एक दिन उनके गरबे में मैं गरबा खेलने जाऊँ और उनसे मिलूँ. और क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, जितने भी गरबा सिंगर्स हैं उनके लिए फाल्गुनी मैम सबसे पहले आते हैं, और मेरे लिए भी वो हमेशा पहले आते हैं. क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं अपने मम्मी के साथ गरबा परफॉर्म करने जाया करती थी, हम घर पे जैसे मैं टीवी चल रहा है, टीवी पे मैं फाल्गुनी पाठक का परफॉर्मेंस देख रही हूँ और हम घर में ताला लगा रहे हैं, तो मम्मी बोलते चलो अभी हमें लेट होगा. एंड आई यूज़ टू टेल माय मम्मी बस एक और एक गाना देख लेती हूँ, और फिर उनके गाने सुनकर मैं स्टेज पर परफॉर्म करती थी. तो मुझे अभी भी याद है वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें इतनी ताज़ा है कि आज भी यही चीज़ होती है. आज हम उनको सोशल मीडिया पे देख के खुश होते हैं. और फिलहाल पिछले एक दो महीने पहले ही हमने जब अखिलेश्वर में साथ में परफॉर्म किया था उनके बैंड के साथ, और वो भी मेरा परफॉर्मेंस सुन के देख के बहुत खुश थे, और उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया, और मैं भी उनसे, हमारी भी तब बात हुई, मुलाकात हुई. सो आई थिंक मैं तो हमेशा मोटिवेटेड और इंकरेज रहती हूँ, और मैं उनकी दिल से बहुत बड़ी एडमायर हूँ और फैन हूँ. और मेरे पास और एक बिल पे उनका एक ऑटोग्राफ भी है जो मैं हमेशा उनको दिखाते रहती हूँ कि ये वाला ऑटोग्राफ आपका हमेशा से है, 15-20 साल पहले की बात, और आज भी मेरे घर पे हो. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमेशा ताज़ा हो जाती हैं जब भी उनका नाम होता है. मैडम फाल्गुनी जी का आप इतना तारीफ कर रही है तो उनके अगेंस्ट में सवाल तो नहीं बनता, लेकिन आप कंपटीटर के तौर पर किसे मानती है कि किसके सामने आपके लिए चुनौती हो सकती है? क्योंकि ऑडियंस को इकट्ठा करना, ऑडियंस को ये बताना मैं बेहतर कर सकती हूँ। मैं सच बताऊँ कि कंपटीशन ना सिंगर्स में नहीं होती, कंपटीशन जो लिसनर्स और जो डांसर्स आते हैं ना, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि एक से एक बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं, एक से एक. इतने सालों से आप सोचिए कि कोई 10 साल से किसी ने शुरुआत करी अपने करियर की, किसी ने 20 साल से 30 साल से शुरुआत की है, तो कितना कहते हैं कि लेजेंडरी आर्टिस्ट. मैं फाल्गुनी मैम को तो लेजेंडरी आर्टिस्ट कहती हूँ, वो लेजेंडरी परफॉर्मर है. उनके साथ साथ हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, तो हम लोग भी साथ में परफॉर्म कर रहे हैं उनके, और अगेंस्ट कुछ नहीं होता मेरे लिए, ऑनेस्टली अगेंस्ट कुछ नहीं. क्योंकि ना तो किसी को भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी को भी इनसिक्योरिटी नहीं है. एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि जो एनवायरमेंट बना है आज कल के कुछ सालों से कि आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब अपनी अपनी यूनिकनेस लेकर चलते हैं, अपनी बेस्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं
वो देते हैं. हर एक सिंगर के अपने अपने कुछ हिट गाने हैं जो लेकर चलते हैं. अब ऑडियंस कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाएँ, एक टाइम पे हम कहाँ जाएँ. तो ऑडियंस के लिए ही कॉम्पिटिशन है. कोई बोलेगा देखिए हम अपने फेवरेट के आ गए, कोई बोलेगा हम अपने फेवरेट के आ गए. तो कॉम्पिटिशन तो बाकी ऑडियंस में है. हम तो सिर्फ अपना काम करने वाले हैं, हम परफॉर्म करने वाले, अपना बेस्ट देने वाले हैं. एंड बस कुछ लोग हैं आप. और इनफैक्ट पूरी मिली में इस बार बेस्ट पार्टी है कि पूरी मुंबई से लोग आएंगे, अपने फेवरेट्स को चुनेंगे. और आई थिंक एक दिन यहाँ भी जा सकते, एक दिन वहाँ भी जा सकते. उनके लिए तो मतलब ग्राउंड भी ओपन है, दिल भी सबके खुले हुए हैं कि आप आइए, हमें वेलकम करना है, आप आइए. और बिल्कुल गुजराती में जैसे टर्म है मन मुखी ने नाचो. इस बार की डांडिया कैसी होने वाली है, क्या नया कुछ इस बार आने वाला है ऑडियंस के लिए, बताइए कि क्या कुछ रहने वाला है इस बार डांडिया. मेरी ऑडियंस के लिए मैं बहुत कहते हैं ना, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस का एक सेकेंड भी ज़ाया या वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ. और मैं जब भी स्टेज पे हूँ तो मेरे लिए सेलिब्रिटी वो लोग हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो मेरे लिए आते हैं, परफॉर्म करने के लिए आते हैं, गरबा खेलने के लिए आए हैं. और ये मैं कहने के लिए नहीं कहती हूँ क्योंकि मैं अपनी इम्पोर्टेंस जब स्टेज पर मैं जाती हूँ मैं अपनी इम्पोर्टेंस ज़ीरो कर देती हूँ क्योंकि मेरे लिए ऑडियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कि मैं ऑडियंस को एक सेकेंड भी ये ना फील हो कि यार यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं तो ड्यूटी पर लग गई हूँ. मेरे लिए ये ड्यूटी है, मेरे लिए मेरी जॉब है, मेरे लिए ये मेरा कर्तव्य है कि मेरी जितनी भी ऑडियंस आई है उनको मैं अपनी सिंगिंग से अपना बेस्ट, क्योंकि हज़ारों गाने हैं, लाखों गाने हैं, उनमें से आप बेस्ट कौन सा चुनते हो अपने ऑडियंस के लिए. तो मेरे लिए ये टास्क है कि नए गाने, पुराने गाने और बिल्कुल एक बैलेंस मेंटेन करके चलना. और क्योंकि नवरात्रि है, अम्बा जी की हम आराधना करते हैं, सब लोग पूजा पाठ भी करते हैं, तो उस डिसिप्लिन को भी मेंटेन करते हुए, डिसेंसी को मेंटेन करते हुए, अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो बाकी सब पूरी दुनिया डिसिप्लिन मेंटेन करेगी. तो बहुत पर्टिकुलर रहना कि आप गाना क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या चूज़ करते हैं गाने. और साथ साथ में आपका अपीयरेंस कैसा है स्टेज पे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक रिलीजियस कहते हैं कि रिलीजियस पूरा एक माहौल है, आप रिलीजियस एक कर्तव्य निभाए जा रहे हैं और अपना एक ड्यूटी है, तो वो पूरा एक पूरी उसकी जो सेंसिबिलिटी है वो चेंज हो जाती है कहीं ना कहीं. मैं करती हूँ, मैं कॉलेज शोज़ भी करती हूँ, मैं प्री वेडिंग शोज़ भी करती हूँ, मैं कॉर्पोरेट गिग्स भी करती हूँ, बॉलीवुड कॉन्सर्ट्स करती हूँ, सब कुछ करती हूँ. और उसमें हर एक में मेरा पहनावा अलग होता है, मेरा दिखावा अलग होता है, मैं बिल्कुल कैरेक्टर में आ जाता हूँ, स्टेज पर जा चुका हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि शो कैसा है. लेकिन वैन इट कम्स टू गरबा मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, चाहे मेरी परफॉर्मेंस हो, चाहे मेरी प्रेजेंटेशन हो, चाहे मेरी सिंगिंग हो, चाहे मेरा ड्रेसिंग हो, हर एक चीज़ को लेकर मैं बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ, जिससे मेरी ऑडियंस जो है वो कहे कि नहीं अगर गरबा है तो इट्स और जो भी जहाँ से भी कोई मासी हो गए मेरे या बुआ जी हो गए कि भाई आज हम ये भिजवाते हैं, आज गर्मा गर्म शीरा भिजवाते हैं, आप ऊंधियों भिजवाते हैं, आप जो मैं सब खाती हूँ नवरात्रि के टाइम पे. जितना भी वेजिटेरियन जो भी है, चाहे वो स्पाइसी हो गया, ऑयली हो गया, मैं सब खाती हूँ. मैं ठंडा भी खाती हूँ. मैं इनफैक्ट जिग्नेश भाई को पता है, जब हम कुछ सालों पहले जब साथ में नवरात्रि में थे, तो जैसे ही मेरे गरबा का परफॉर्मेंस का टाइम ख़त्म होता है और बर्फ़ का गोला आता है, फिर सैंडविचेज आती हैं, फिर चॉकलेट्स आती हैं, क्योंकि आज परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुआ, तो वो भी सारा खा पी के फिर घर पे जाती हूँ मैं. और फिर पूरे 12-15 घंटे बिल्कुल चुप, वॉइस रेस्ट और कंप्लीट रेस्ट होता है. तो मैं और बस वो एक जैसे कहते हैं ना कि चैनलाइज करना होता है, क्योंकि वो एनर्जी होती है, वो डिवाइन एनर्जी है, उसके आशीर्वाद मिलने भी बहुत ज़रूरी होते हैं. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 2 दिन बैक टू बैक शोज करके थक जाते हैं, लेकिन नवरात्रि में हमें 10 दिन परफॉर्म करना होता है. तो 10 दिन में जो एक डिवाइन एनर्जी है वो कैसे मिलती है, कहाँ से आती है, वी हैव नो क्लू. लेकिन जब हम स्टेज को हिट करते हैं तो 500% 5000% एनर्जी होती है. तो इस बार का बेस्ट पहले मैडम
बेस्ट गाना क्या हो सकता है, बेस्ट गाने क्या हो सकती है? बिल्कुल, इस बार तो जैसे गुजराती मैं आपको बताऊं कि जैसे हेलारो मूवी जो आई थी 2019 में जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला था, उसमें मैंने एक मेरा फॉर्चुनेटली मुझे एक मौका मिला गाना गाने के लिए जिसका नाम है वाग्यूरे ढोल, मेहुल सुरती जी ने उसे कंपोज किया है, स्वामी जोशी जी ने उसे लिखा है और अभिषेक शाह ने डायरेक्ट किया उस फिल्म को. और वाग्यूरे ढोल इज काइंड ऑफ लोगों ने इतना पसंद किया है उस गरबे को, उस गाने को, कि उस गाने के बाद मैंने जो US और ऑस्ट्रेलिया में टूर की थी उसका नाम मैंने वाग्यूरे ढोल रखा हुआ था उस टाइम पे टूर की बात कर रही हूँ. सो आई थिंक मुझे वाग्यूरे ढोल ऑफकोर्स जो पब्लिक डिमांड पे एंड इस साल जैसे ऑफकोर्स रामलीला का गाना है, राम जाए लीला, उड़ी उड़ी जाए, घड़ी फूल छोरी, और अभी जो हाल ही में रिसेंटली जो गाना रिलीज हुआ है ढिंडोरा बाजे फ्रॉम द फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो प्रीतम दा ने कंपोज किया है,